चुनाव आयोग को जिसने नई पहचान दी, जिसने कई राजनेताओं को उनकी हदें सिखाई, उनका निधन हो गया। टीएन शेषन ने रविवार रात 87 साल की उम्र में चेन्नई में अंतिम सांस ली। 12 दिसंबर 1990 को वह देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। उन्होंने इस पद को 1990 से लेकर 1996 के बीच संभाला। इससे पहले 1989 में वह देश के 18वें कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके थे। चुनाव व्यवस्था में जब जब सुधार की बात होगी, टीएन शेषन का नाम जरूर लिया जाएगा। उनका पूरा नाम तिरुनलय नारायण अय्यर शेषन था। शेषन का जन्म केरल के पलक्कड़ में 15 दिसंबर 1932 को हुआ था। टीएन शेषन 1955 बैच के आईएएस थे। 90 के दशक में एक बात कही जाती थी कि भारतीय राजनेता दो चीज़ों से ही डरते हैं, एक तो भगवान से और दूसरा टीएन शेषन से। जब वह मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी वह नाश्ते में राजनेताओं को खाते हैं। टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर बिहार के सीएम लालू प्रसाद में किसी को नहीं बख्शा। शेषन ने चुनाव सुधार की शुरुआत बिहार से ही की थी। तब प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग का मुद्दा काफ़ी बड़ा था। बूथ कैप्चरिंग रोकना और सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता करना उनकी प्रायोरिटी थी। चुनाव आयोग ने पहली बार कई चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया। ये शेषन ही थे जिनके कार्यकाल में मतदाता पहचान पत्रों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने इसे लागू करके ही दम लिया। शेषन ने कहा था कि अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बन पाए तो 1995 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। कई राज्यों में तो उन्होंने चुनाव इसलिए स्थगित भी करवा दिए क्योंकि पहचान पत्र तैयार नहीं हुए थे। वोटों के लिए पैसा देना, वोटों के लिए शराब बांटना, इन सब पर उन्होंने नकेल कस दी थी। वहीं चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल खूब होता था, इस पर भी उन्होंने काफ़ी सख्ती दिखाई थी। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने पर भी उन्होंने नेताओं को आगाह किया था कि वे ऐसा ना करें। वहीं धार्मिक स्थान पर चुनावी कैंपेन और लाउड स्पीकर के उपयोग पर उन्होंने नकेल कसी थी। चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए उन्होंने बेहद तैयारी की थी। चुनावों के दौरान हर राज्य में ड्राई डे 6 दिन पहले ही घोषित हो जाता था। जब टीएन शेषन अपने पद पर आसीन हुए तो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बेहद आम था। इसका उल्लंघन करना नेताओं की आदत बन गया था। उनकी सख्ती ही थी कि यूपी में कल्पनाथ राय को प्रचार का समय खत्म होने के बाद बीच में ही मंच से उतरना पड़ गया था। कल्पनाथ राय चुनाव प्रचार खत्म होने की समय सीमा के बाद भी अपने भतीजे के लिए प्रचार कर रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट ने उनके भाषण को बीच में रोककर बाकायदा ये चेतावनी दी थी और इसके बाद ये एक नज़ीर बन गया था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद पर भी अपनी सख्ती दिखाई। गुलशेर अहमद पर आरोप था कि उन्होंने राज्यपाल रहते हुए सतना में अपने बेटे के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। टीएन शेषन पर कांग्रेसी होने का ठप्पा भी लगा था, लेकिन कांग्रेस के नेता उनके फैसलों से खुद परेशान थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार को भंग करने के बाद पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा था कि इन राज्यों में साल भर बाद चुनाव होंगे, लेकिन इसके बाद शेषन ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि चुनाव की तारीख मंत्रीगण नहीं बल्कि चुनाव आयोग तय करता है। 1993 में जब यूपी में चुनाव हुआ तो बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं कम हुई। 1991 के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की 873 घटनाएं हुई थी, जो 1993 में घटकर 255 हो गई। 1993 में लोकसभा चुनावों में उन्होंने 1488 उम्मीदवारों को 3 सालों के लिए अयोग्य ठहराया था। ये सभी अपने रोजाना का खर्च नहीं दिखा रहे थे। 1994 में भी उन्होंने कर्नाटक के गुलबर्ग में चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खिलाफ 20 से ज़्यादा केस दर्ज करवाए। ये उम्मीदवार अपना रोज का खर्चा नहीं दिखा रहे थे। टीएन शेषन को भारत में चुनावी सुधारों के लिए और चुनाव बेहतर तरीके से कराने के लिए 1996 में रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन और टीएन शेषन पलक्कड़ के वीईएम हाई स्कूल और विक्टोरिया कॉलेज में बैचमेट रह चुके हैं। टीएन शेषन ने 1997 में राष्ट्रपति पद के लिए केआर नारायण के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली।
शेषन ने 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें यहां भी मुकाबले में हार मिली। जाते जाते आपको एक और किस्सा बताना चाहेंगे। हैली के अस्मरण और एलिसा पी रीस द्वारा संपादित किताब डेमोक्रेटाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी में टीएन शेषन की कहानी है। इस किताब में लिखा है कि 1962 में टीएन शेषन का एक ही दिन में सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच 6 बार ट्रांसफर किया गया था। टीएन शेषन ने एक ग्रामीण अफसर को 3,000 रुपए का घपला करने से रोका था, इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ था। जागरण.com पर देश दुनिया से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ये वीडियो यदि Facebook पर देख रहे हैं तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।